कोरिया जिले की बैकुंठपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों के गबन में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके तहत ही स्पंदन स्फूर्ति घोटाले मामले में 24 घंटे के भीतर 1,63,00,000 के ठगी के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि स्पंदन स्फूर्ति के शाखा प्रबंधक संजू कुमार द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि पूर्व शाखा प्रबंधक दिलकश कादरी और दो अन्य व्यक्तियों द्वारा महिला हितग्राही लोन राशि में करोड़ों रुपये का गबन किया गया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। वहीं जांच के दौरान यह पाया गया कि स्पंदन स्फूर्ति के पूर्व शाखा प्रबंधक दिलकश कादरी ने बिना अपने अधिकारियों को सूचित किए 391 महिलाओं का लोन स्वीकृत कर दिया था। इनके साथ ही सुनील साहू और नीलकमल राय ने गांव-गांव जाकर नए बैंक खाते खुलवाए और सभी से यह वादा किया कि दोना पत्तल की फैक्ट्री खुलने पर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। साथ ही इन सभी से उनके RTGS फॉर्म पर हस्ताक्षर करा के इनकी लोन राशि को अपने खातों में ट्रांसफर भी कर लिया, जिसके चलते किसी भी हितग्राही को यह राशि उनके खाते में प्राप्त नहीं हुई। बहरहाल पुलिस ने इस मामले का खुलासा होने के बाद करोड़ों के गबन में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। 18 तारीख को प्रार्थी है स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के वर्तमान के ब्रांच मैनेजर हैं, क्योंकि उनके द्वारा लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उनके जो पूर्व के शाखा प्रबंधक है दिलकश कादरी, उनके द्वारा और उनके कुछ साथियों के द्वारा अपने शाखा प्रबंधक का लाभ लेते हुए वहाँ के जो हितग्राही हैं उनसे लगभग 391 लोगों से खाते में दोना पत्तल लेने के नाम पर उसे लोन स्वीकृत किया गया और वो जो खाता है वो अपने जो पैसा है वो अपने खाते पे ट्रांसफ़र करके उनसे कम से कम 1,63,81,000 का गबन किए हैं। और ये जो है दोना पत्तल की मशीन दिलवाने के नाम पे उनसे फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर उनसे साइन करवाया गया है और दिलकश कादरी और उनके दो साथी नील कमल और सुनील साहू और उनकी वाइफ सुनीता साहू, इनके द्वारा इसमें इनकी मदद की गई है। चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ कर रही है।